अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइडियल एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश क्लास 7 का जो यूनिट नंबर 7 है, ईद उल अज़हा, वो स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्री रीडिंग क्वेश्चन देखेंगे। चलें, हाउ मैनी ईद्स डू द मुस्लिम सेलिब्रेट इन अ ईयर, मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं। द मुस्लिम सेलिब्रेट टू ईद्स इन अ ईयर, मुसलमान साल में दो ईदें मनाते हैं, ठीक है। एक तो ईद उल अज़हा है और एक ईद उल फितर। ईद उल अज़हा का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गेट ईदी ऑन ईद उल अज़हा, क्या आपको ईद उल अज़हा पर ईदी मिलती है। तो आप कहेंगे येस आई गेट ईदी ऑन ईद उल अज़हा, हाँ मुझे ईद उल अज़हा पर ईदी मिलती है। लेकिन अच्छा, एक बात बताएं, आप लोगों को सच में ईद उल अज़हा पर ईदी मिलती है? अगर मिलती है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैनब एंड सालिहा, जैनब और सालिहा आर एट होम, घर पर हैं। जैनब और सालिहा घर पर हैं, दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। एज द फेस्टिवल, जैसा कि त्यौहार ऑफ ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा का इज़ अप्रोचिंग आ रहा है। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिन बाद, वो खुश हैं कि ईद उल अज़हा चंद रोज़ बाद आ रही है। दे आस्क, वो पूछते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस, मुख्तलिफ सवालात, फ्राम देयर पेरेंट्स, अपने वालदैन से, वो अपने वालदैन से मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं। व्हाट इज़ ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा क्या है, आस्क्ड जैनब, जैनब ने पूछा ईद उल अज़हा क्या है। ईद उल अज़हा इज़ द फेस्टिवल, ईद उल अज़हा एक त्यौहार है ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी का। इन आ ड्रीम, ख्वाब में, अल्लाह सुबहाना ताला कमांडेड, हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, टू सेक्रीफाइस हिज सन, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। नेम्ड हज़रत इस्माईल नाम था। ख्वाब में अल्लाह सुबहाना ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया। सेटान, शैतान, अटैम्प्ट, कोशिश की, टू कन्फ्यूज़, परेशान करने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, एंड टैम्प्ट, और अक्साया हिम, इन्हें, नॉट टू गो थ्रो विद द एक्ट, इस अमल को ना करने के लिए। बट मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ड्रॉव हिम द केला, इसे अवे दूर। शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परेशान करने की कोशिश की और इन्हें इस काम से रोकने की कोशिश की, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रास्ते पर चले। अल्लाह सुबहाना ताला सेंट, भेजा, दी एंजल, फरिश्ता, जिब्राहील अलैहिस्सलाम को, विद अ रैम, एक दुम्बे के साथ, टू सेक्रीफाइस, कुर्बान करना, इंस्टेड, की बजाय ऑफ़ हिज सन, अपने बेटे की। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरिश्ते जिब्राइल को एक दुम्बे के साथ भेजा कि वो अपने बेटे की जगह इसको ज़िबा करें। दी कोमेमोरेशन, याद ऑफ अदहा, कुर्बानी की, विच इज़ एन अरेबिक वर्ड, जो एक अरबी का लफ्ज़ है फॉर सेक्रीफाइस, कुर्बानी के लिए। टेक्स प्लेस, वाक़या होता है, ऑन दी 10th, 10वीं ऑफ ज़िलहज, ज़िलहज की, मदर सेड, माँ ने कहा ईद उल अज़हा का त्यौहार, जो कि कुर्बानी के लिए एक अरबी लफ्ज़ है, 10 ज़िलहज को वाक़या होता है। हाउ इज़ ईद उल अज़हा सेलिब्रेटेड, ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है, आस्क्ड, पूछा सालिहा ने पूछा ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है। एज़ हज़रत इब्राहीम, जैसा कि हज़रत इब्राहीम वाज़ अलाउड, इजाज़त दी गई थी, टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी करने की, आ रैम, एक दुम्बा, इंस्टेड ऑफ हिज सन, अपने बेटे की बजाय। ईद उल अज़हा इज़ ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड, एक रवायती तौर पर मनाई जाती है, विद द सिम्बोलिक अलामत के साथ, सेक्रीफाइस, कुर्बानी ऑफ अ लैम, दुम्बे की, गोट, बकरी, काओ, गायें, कैमल, ऊँट और अदर एनिमल्स या दूसरे जानवर। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की जगह दुम्बा ज़िबा करने की इजाज़त दी गई, ईद उल अज़हा रवायती तौर पर दुम्बे, बकरी, गायें, ऊँट या दूसरे जानवरों की अलामती कुर्बानी के साथ मनाई जाती है। द मीट, गोश्त ऑफ द सेक्रीफिशियल, कुर्बान शुदा,
एनिमल जानवरों का इज डिवाइडेड तकसीम किया जाता है इंटू थ्री पार्ट्स, तीन हिस्सों में इक्वली बराबर अमंग फैमिली, ख़ानदान के दरमियान, फ्रेंड्स दोस्तों एंड नीडी और ज़रूरतमंदों। कुर्बानी के जानवरों का गोश्त तीन बराबर हिस्सों में ख़ानदान दोस्तों और ज़रूरतमंदों के दरमियान तकसीम किया जाता है। मुसलमान परफॉर्म अदा करते हैं आ कॉमुनल इज्तमाई नमाज, नमाज ऑफ ईद, ईद की इना मस्जिद मस्जिद में और इन एन ओपन इन्वायरमेंट और एक खुली जगह में। दी मदर क्लैरिफाइड, माँ ने वजाहत की कि मुसलमान मस्जिद में या खुली जगह पर इज्तमाई नमाज पढ़ते हैं। हाउ इज़ ईद उल अज़हा डिफरेंट फ्राम ईद उल फितर, कैसे मुख्तलिफ है ईद उल फितर से। आस्क्ड ज़ैनब, ज़ैनब ने पूछा ईद उल अज़हा ईद उल फितर से कैसे मुख्तलिफ है। देयर आर टू ईद्स, दो ईदें हैं सेलिब्रेटेड मनाई जाती हैं बाई मुस्लिम्स मुसलमानों के ज़रिए इन अ ईयर, एक साल में मुसलमान साल में दो ईदें मनाते हैं ईद उल फितर। ईद उल फितर का अकर्स आती है एट द एंड ऑफ द रमादान, रमज़ान के इख्तमाम पर। ईद उल फितर रमज़ान के आखिर में आती है या रमज़ान के इख्तमाम पर आती है। रमादान इज़ द मंथ, रमज़ान एक महीना है इन विच जिसमें अल्लाह सुबहाना ताला रिवील्ड, अल्लाह सुबहाना ताला ने भेजा द फर्स्ट पहली वर्सेस आयात ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की, ऑफ टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली आयात उतारी। ईद उल अज़हा टेक प्लेस आती है अबाउट टू मंथ्स, दो माह के बाद, आफ्टर ईद उल फितर के एट द एंड ऑफ द एनुअल हज, सालाना हज के इख्तमाम पर। द डेट्स, तारीखें ऑफ बोथ ईद्स, दोनों ईदों की आर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लूनर कैलेंडर, इस्लामिक कमरी कैलेंडर के मुताबिक होती हैं, ठीक है। द डेट्स ऑफ बोथ ईद्स आर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लूनर कैलेंडर, यानी दोनों ईदों की तारीखें इस्लामिक कमरी कैलेंडर के मुताबिक आती हैं। लूनर होता है कमरी। देयर इज़ सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की कुर्बानी होती है ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा के दिन, ईद उल अज़हा के दिन जानवरों की कुर्बानी होती है। दिस डिफरेंशिएट द टू फेस्टिवल्स, दोनों त्योहारों का, सेड मदर, माँ ने कहा ये दोनों त्योहारों के मबैन फ़र्क करती है। डिफरेंशिएट्स होता है फ़र्क करना। आवाज़ हज़रत इस्माईल लेहे सलाम सेव्ड, हज़रत इस्माईल लेहे सलाम कैसे बचा लिए गए एंड व्हाट लेसन, और क्या सबक डू करते हैं वी गेट, हम हासिल फ्राम दिस इवेंट, इस वाक़या से। आस्क्ड सालिहा, सालिहा ने पूछा हज़रत इस्माईल कैसे बचा लिए गए और हम इस वाक़या से क्या सबक हासिल करते हैं। दिस वाज आ मिराकल ऑफ अल्लाह सुबहाना ताला, ये अल्लाह सुबहाना ताला का एक मोजज़ा था एंड इट्स प्रूव्ड, और ये साबित करता है डैड के ही वाज रखता है कमांड कुदरत ओवर आल थिंग्स, तमाम अशिया पर, दी नाउ मालूम एंड अननाउन और नामालूम, ये अल्लाह सुबहाना ताला का मोजज़ा था और इसने साबित किया कि वो मालूम और नामालूम तमाम चीज़ों पर कुदरत रखता है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि ऑफ द होली, ये मुकद्दस इंसिडेंट वाकया इन द हिस्ट्री तारीख में ऑफ इस्लाम की, डैट द मुस्लिम्स के मुसलमान नाउ अब सेलिब्रेट मनाते हैं ईद उल अज़हा एवरी ईयर, हर साल, टू लर्न ब्लेसिंग्स, रहमतें कमाने के लिए एंड फॉरगिवनेस और माफ़ियाँ फ्राम अल्लाह सुबहाना ताला से। ये तारीख इस्लाम में इस मुकद्दस वाक़या की वजह से है कि मुसलमान हर साल अल्लाह ताला की रहमतों और मगफरत के हसूल के लिए ईद उल अज़हा मनाते हैं। द एक्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग, कुर्बानी का अमल एनिमल्स जानवरों की आल्सो रिफ्रेशिस, ताज़ा करता है आवर फेथ, हमारे ईमान को इन अल्लाह
सुबहाना ताला अल्लाह सुबहाना ताला के साथ एंड वी रिकॉग्नाइज और हम जान लेते हैं डैट के ऑल ब्लेसिंग्स तमाम रहमतें कम फ्राम अल्लाह सुबहाना ताला अलोन, सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला से आती हैं। जानवरों की कुर्बानी का अमल अल्लाह सुबहाना ताला पर हमारे ईमान को ताज़ा करता है और हम जान लेते हैं कि तमाम रहमतें सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला की ही तरफ से आती हैं। अ ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुसलमान इज़ वन वो है हु हैज़ अ फिर्म बिलीव, जो पुख्ता यकीन रखता हो इन अल्लाह सुबहाना ताला और अल्लाह ताला में पर एंड ट्राइज और कोशिश करता हो टू फॉलो पैरवी करने की आल हिज कमांड इसके तमाम अहकाम सिंसेरली खलूस से एंड ओबीडियंटली और फरमाबरदारी से। सैड फादर बाप ने कहा, वालद ने कहा, एक सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखता है और इसके तमाम अहकाम की खलूस और फरमाबरदारी से पैरवी करने की कोशिश करता है। हाउ शुड कैसे वी प्रिपेयर, हम तैयार हों आवर सेल्स अपने आप को ऑन दी डे ऑफ ईद, ईद के दिन, आस्क जैनब, जैनब ने पूछा, जैनब ने पूछा कि हम हमें अपने आप को ईद पर कैसे तैयार करना चाहिए। नाज सुन्नतें हबिचुअल होता है आदात प्रैक्टिसेस अमल ऑफ दी डे दिन के ऑफ ईद ईद के इंक्लूड मुश्तमिल है या शामिल है, ईद के दिन की सुन्नतों में शामिल है। फर्स्ट टू अडोन ज़ेबतन करना न्यू नए क्लीन क्लोथ्स नए साफ़ कपड़े नए साफ़ सुथरे कपड़े ज़ेबतन करना या पहनना। परफॉर्मिंग गुसल बाथ गुसल करना यूजिंग अ मिसवाक फॉर क्लीनिंग टीथ मिसवाक करना दांत साफ़ करने के लिए। अप्लाइंग सेकेंट खुशबू लगाना अप्लाइंग सेकेंट खुशबू लगाना टू रीच द प्लेस ऑफ द प्रेयर अर्ली नमाजगाह नमाज पढ़ने की जगह या नमाजगाह में जल्दी पहुंचना। सेड फादर बाप ने कहा, बोथ जैनब एंड सालिहा दोनों जैनब और सालिहा थैंक शुक्रिया अदा किया देयर पेरेंट्स अपने वालदैन का फॉर प्रोवाइडिंग मुहैया करने के लिए देम विद दिस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इनको इस अहम मालूमात देने के लिए अबाउट ईद उल अज़हा एंड ईद उल फितर और ईद उल फितर। जैनब और सालिहा दोनों ने अपने वालदैन का शुक्रिया अदा किया ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के बारे में अहम मालूमात देने पर। व्हाट लेसन डू यू ड्रा फ्रॉम ईद उल अज़हा, लास्ट पर जो क्वेश्चन है कि हम ईद उल अज़हा से क्या सबक हासिल करते हैं। From Eid al-Adha we learn to sacrifice everything for Allah. Allah ताला के लिए हर चीज़ को कुर्बान करना सीखते हैं। Okay, Allah हाफिज़। यहाँ पर हमारी रीडिंग जो है वो ख़त्म हो गई है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।